Hello students, we are going to start our first chapter of physics named motion. First thing, what is motion? Anything is said to be in motion when its position changes continuously with respect to time with a stationary object. यानी किसी स्थिर वस्तु के comparison में यदि कोई दूसरी वस्तु अपनी position change कर रही है तो उस वस्तु को हम कहते हैं कि that थिंग्स इज इन मोशन, वह वस्तु गति में है। जैसे यहाँ पे ये वृक्ष और कार एक ही पोजीशन पे हैं ए पॉइंट पे। आफ्टर सम टाइम्स दैट कार चेंजेज इट्स पोजीशन टू रीच पॉइंट बी इन कंपैरिजन टू दिस ट्री, सो वी कैन से दैट दिस कार इज इन मोशन। इस वृक्ष की तुलना में ये कार कुछ समय के बाद ए पोजीशन से बी पे चली जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कार क्या है, मोशन में है। उससे अगली जो चीज़ है वो थी डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों चीज़ों में आपस में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इज द बाय ए बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, इन दिस केस ट्रायंगल एबीसी। कौन सी ये ट्रायंगल? एबीसी। डिस्टेंस ट्रेवल इज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। क्या है ये? एक्चुअल डिस्टेंस, इट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट पोजिशन ए से चला, पहले कहाँ पे पहुँचा? वो बी पे। उसने कितना रास्ता तय किया? 5 किलोमीटर का। उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर चल के कहाँ पे पहुँचा? सी पे। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड किया है, उसने ट्रेवल किया है, वो क्या है? 5 किलोमीटर प्लस में 3 किलोमीटर, कितना हो गया? 8 किलोमीटर। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनादर द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या है, अगर हम देखें तो इस पोजीशन पे एक स्ट्रेट लाइन और जो इनिशियल पोजीशन है और उससे जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, छोटे से छोटा रास्ता, और स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल तो क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर किया, कितना था? 5 और 3 8 किलोमीटर सारा का सारा। परंतु अगर हम देखें अब वो व्यक्ति कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एक ए से सी, यानी कि दूरी तय की गई कितनी है? 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में कितना हो गया? 4 किलोमीटर। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हुआ? 8 किलोमीटर। सेकेंड थिंग, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कभी भी जीरो नहीं होती है। डिस्टेंस ऑलवेज बीन पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मे बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, परंतु डिस्टेंस के अंदर खाली मैग्नीट्यूड यानी कि साइज होता है, उसका आकार होता है, कितनी दूरी, डायरेक्शन नहीं दी होती कि किस दिशा में, परंतु डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अगर हम देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल हम सेट करते हैं, दोबारा से ट्रायंगल एबीसी, ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी और सी से ए पे आया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया 5, 3 8 और 4 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 3 + 4 12 किलोमीटर। परंतु वो ए से चला बी पे, बी से आया सी से और सी से आ गया ए पे। इट मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने एक सर्कल का लिया है, यहाँ ए पॉइंट से चला और वापस घूम के वो ए पॉइंट पे ही आ गया, तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज द सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और अगर हमने इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो चूंकि एक सर्कल है तो सर्कल का एक रूल है 2πr, और 2πr के माध्यम से हम इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।